वीडियो को देखने से पहले लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ये चीज हो गई क्लियर तो इसी तरीके से अब क्या माई स्क्ल के अंदर कॉमनली यूज डेटा टाइप इन आर स्क्र टाइप्स डेट एंड टाइम टाइप्स एंड स्ट्रिंग अब क्या है न्यूमेरिक टाइप क्या है डेट एंड टाइम टाइप्स और क्या है स्ट्रिंग इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं तो डेटा टाइप्स के रूप में हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ने से पहले हम एक चीज समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी क्या समझेंगे ऑफ मेमोरी देखिए ध्यान से समझिए सबसे पहले एक वर्ड आता है बिट क्या आता है बिट बिट नहीं है है क्लियर हो गया देखिए अब देखिए एक चीज समझिएगा एक एग्जाम्पल है सिटी हमारे पास क्या नाम है सिटी वो सिटी वाली नहीं वो वाली सिटी नहीं सिटी मतलब शहर वाली सिटी ठीक है देखिए ध्यान जब आप एक वर्ड लिखते हो सी आई टी वाई सी आई टी वाई ठीक है इसका मतलब क्या हुआ आपकी बुक में आपकी कॉपी में तो केवल सी आई टी वाई है ये लेकिन जैसे आपने सी प्रेस किया <coughs> तो ये कंप्यूटर में कहीं ना कहीं जाके एक एड्रेस पर सेव होता है इसका कोई ना कोई एड्रेस है क्या है इसका कोई ना कोई एड्रेस है तो उसी तरह आई एक एड्रेस पर टी एक एड्रेस पर और वाई एक एड्रेस पर तीनों ही चारों अलग अलग एड्रेस पर जाके सेव होता है क्लियर हो गया अब ध्यान रखिए जो सी है ठीक है कि नहीं इसने केवल एक बिट ली ये पूरा जो सी कवर कर रहा है ये क्या कहलाता है वन बिट आई क्या कहलाता है टू बिट टी क्या कहलाता है थ्री बिट और वाई क्या कहलाता है फोर बिट आपकी लैंग्वेज में ये सी है लेकिन कंप्यूटर में ये एज इट इज सी के फॉर्मेट में अंदर नहीं जाता ये जीरो वन जीरो वन के कोड में जाता है यानी बिट जो होती है ठीक है कि नहीं वो पर्टिकुलर एक बिट यानी अगर एक जीरो है तो वो एक बिट हो गई मान लो सी का कोई कोड है कोड है जीरो 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 तो जो केवल चार बार जीरो ना जैसे जीरो 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 और जीरो तो एक जो है ये कितनी हुई एक बिट हुई कितनी हुई है एक बिट ये कितनी हुई दो बिट ये तीन बिट ये चार बिट ये हो गई ये चीज क्लियर गई नहीं हुई इंडिविजुअल एक जो होगी वो क्या हो गई ये चीज क्लियर हो गई एक बिट हो गई अगर सिंगल है तो वो एक बिट हो गई अब आत ती है निब्बल निब्बल का मतलब क्या हुआ द कलेक्शन ऑफ फोर बिट चार बिट का जो समूह होगा उसको क्या कह लेंगे एक निब्बल कहेंगे एक दो तीन चार ये पूरा एक क्या कहलाएगा ये पूरा का पूरा एक दो तीन चार जो चार बिट है इनको क्या कहूंगा मैं निब्बल कहूंगा क्या कहूंगा निब्बल ये चीज क्लियर हो गई अब क्या आती है बाइट आठ बिट मिलाकर एक बाइट बनता है कितनी बिट आठ बिट तो ये एक दो तीन चार पांच छह सात आठ बिट बनाकर क्या बनता है एक बाइट बनता है एक टॉपिक है नंबर सिस्टम ठीक है उसमें बाइनरी हेक्साडेसिमल ये सब चीजें होती है तो जिनके ये किया हुआ है उसको उनके लिए वेल well गुड है मैं अलग से एक टॉपिक लूंगा उससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे ये समझाने के पीछे रीजन क्या है माया उसके आपने पढ़ा क्वेरी यूज की लैंग्वेज गया वो डेटा में बैकग्राउंड में जाके कैसे वैल्यू सेव हो रही है वो आपको सिखाने के पीछे ये कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया तो बाइट क्या है एट बिट का समूह यानी कलेक्शन ऑफ एट बिट यहां तक तो क्लियर तो हो गया अब देखिए किलो आया है देखो आपके दिमाग में मैथमेटिक्स इनका सोचते हैं किलो मतलब होता है टेन एज टू पावर थ्री ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है एक्चुअली क्या करता है कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन अ बाइनरी सिस्टम किस पर सिस्टम है बाइनरी सिस्टम और बाइनरी सिस्टम की पावर होती है टू क्या होती है टू होती है तो टू की पावर टेन होगी वो किलो कहलाएगा क्या कहलाएगा टू की पावर टेन वो क्या कहलाएगा किलो तो यानी बाइट देखो टू की पावर टेन कितना हो गया वन जीरो टू फोर कितना हो गया Zero, और फिर पीछे मैंने क्या लगा दिया बाइट लगा दिया अगर मैं कह रहा हूँ मेगा बाइट क्या कह रहा हूँ मेगा बाइट तो मेगा बाइट क्या होगा टू की पावर टेन इंटू में टू की पावर टेन टू की पावर टेन इंटू मैं टू की पावर टेन दो, दो बार रिपीट हो जाएंगे जैसे किलो होता है टू की पावर टेन होता है ना जैसे मेगा होता है टू की पावर ट्वेंटी कितना होता है मेगा टू की पावर ट्वेंटी हो जाएगा तो अब जो टू की पावर टेन बाइट था इसको मैं क्या लिख सकता हूं वन जीरो टू फोर बाइट लिख सकता हूं तो वन जीरो टू फोर और ये बाइट्स आ गया और टू की पावर टेन केवल वो क्या आ जाएगा किलो आ जाएगा समझ आयानी एक मेगा बाइट होगा वो किसके बराबर होगा वन जीरो टू फोर किलो बाइट के बराबर कॉम्पिटिशन हो चाहे आपकी नॉर्मल आईपीबी में भी होगी तो आपके अंदर ऑप्शन होगा मेगा बाइट इज इक्वल टू वन जीरो टू फोर बाइट वन जीरो टू फोर किलो बाइट्स या और भी कुछ ऑप्शन देके करेंगे फिर आता है गीगा बाइट जब मेगा टू की पावर ट्वेंटी था तो ये क्या हो जाएगा टू पावर थर्टी तो हम केवल टू की पावर टेन को तो बाहर ले लेंगे इसकी वैल्यू कितनी होती है वन जीरो टू फोर आ गया सही है और ये जो वैल्यू थी ये देखो ऊपर एज इट इज मिल रही है तो ये मेगा बाइट के बराबर हो जाएगी तो यहाँ क्या लिख देंगे मेगा बाइट आ गया चीजें क्लियर हो गया फिर आ जाता है टेरा बाइट टेरा बाइट में फिर वो टू की पावर टेन बाहर ले लेंगे सबसे पहले वाली तो वो जो सबसे पहले वाली मैंने बाहर ले ली और बाकी वाला क्या बच गया गीगा बाइट बच गया पीछे वाला तो ये वन जीरो टू फोर गी बाइट ये चीज क्लियर हो गई के नहीं हुई यानी ये क्या है मेमोरी मैनेजमेंट है समझ आया अब आप चीज एक से चीज जान से समझना ठीक है ये चीज क्लियर हो गई यानी वन बिट एक अलग चीज है और बाइट एक अलग चीज है बाइट मतलब आठ ठीक है तो हम ज्यादातर बिट यूज करेंगे